Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn something very beautiful and magical. How to do Ho'oponopono for others. दूसरों के लिए Ho'oponopono कैसे करें? मगर उससे पहले हम फटाफट ये समझ लेते हैं कि Ho'oponopono टेक्निक है क्या, इसे करने से होता क्या है और इसे करते कैसे हैं? To get such more videos, please subscribe to my YouTube channel. Please like and comment when you find it helpful. Please share it with at least 3 of your friends and become a part of my mission to heal, help and touch lives of 1 million people. Let's make this world a better place for our future generations by spreading love and happiness and healing more and more people. So now back to Ho'oponopono. आज आप एक ऐसी मैजिकल टेक्निक सीखोगे जिसे आप अपने लव्ड वंस और किसी को भी हील कर सकते हो. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Ho'oponopono एक बहुत पुरानी हवाईयन हीलिंग टेक्निक है जो आपको हेल्प करती है, आपको हील करने में आपको हेल्प करती है, आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करने में हेल्प करती है. इसे ज़्यादा पॉपुलर किया था डॉक्टर ह्योलिन ने जब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान हो गए. Do you want to know what did Dr. Hewlin do? Great. Almost 30 years back, हवाई जो कि ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अमेरिका में, वहाँ एक हॉस्पिटल था जहाँ एक वार्ड में बहुत डेंजरस लोगों को रखा गया था. ये मेंटली इल क्रिमिनल्स थे. दे हैड डीप मेंटल डिसऑर्डर्स एंड दे वर रियली डेंजरस. दे हैड कमिटेड वेरियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग एक्सेट्रा. ये इतने डेंजरस थे कि इनको हर समय बांध के रखा जाता था, इनके हाथ हमेशा बांध के रखते थे. दे वर टू डेंजरस सो दे वर ऑलवेज चेंट. दे वर रियली वायलेंट. दे कुड हार्म देम एंड दे कुड हार्म देमसेल्व्स ऑल्सो एंड दे कुड हार्म अदर्स ऑल्सो. कोई भी डॉक्टर या नर्स या अटेंडेंट वहाँ जाना ही नहीं चाहता था. जिसकी भी ड्यूटी वहाँ लगती थी वो सिक लीव ले लेता या कोई और बहाना मान के छुट्टी मार लेता था. इस डिपार्टमेंट के लिए डॉक्टर ह्योलिन को अपॉइंट किया गया. डॉक्टर ह्योलिन ने ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स जिनको उनके जिनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता था, उन्होंने ऑलमोस्ट सबको ठीक कर दिया. और कुछ टाइम बाद वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया क्योंकि सब ठीक हो गए. मगर बेस्ट पार्ट तो ये है कि डॉक्टर ह्योलिन किसी भी पेशेंट से एक भी बार मिले भी नहीं, उन्होंने किसी से बात तक नहीं करी. ही जस्ट क्योर्ड देम मैजिकली विद दिस लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग प्रैक्टिस विच इज Ho'oponopono. सो व्हाट डिड डॉक्टर ह्योलिन डू? उन्होंने ऐसा जादू कैसे किया? अब मैं आपको बताती हूँ कैसे किया. ही जस्ट वेंट थ्रू द फाइल ऑफ ईच पेशेंट एंड क्योर्ड देम ऑल. So let's understand how does this magical technique works. इससे डॉक्टर ह्योलिन ने करके लोगों के होश उड़ा दिए कि कोई मानने को ही नहीं तैयार था. ऐसा कैसा हो सकता है किसी से बिना मिले बिना बात किए? How is this possible? So let's understand. डॉक्टर ह्योलिन ये समझते थे कि everyone is energy and at the energy level we all are one and we all are connected. अब ये जो चीज़ है, दिस इज़ द बेसिक और द फाउंडेशन ऑफ Ho'oponopono एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. सो ही सेड समवेयर माई फीलिंग्स ऑफ एग्जाम्पल हेट्रेड. सो माई फीलिंग ऑफ हेट्रेड फॉर दीज पीपल हैज क्रिएटेड दीज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड एट द एनर्जी लेवल. मेरी नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स की वजह से ऐसे लोग क्रिएट हुए हैं क्योंकि हेट्रेड फील करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना हेट करने को. हेट्रेड रिक्वायर्स समबडी टू हेट. और अगर मैं अपनी इस फीलिंग को हील या क्लियर कर लेता हूँ तो वो इंसान भी हील हो जाएगा और ठीक हो जाएगा. सो ही स्टार्टेड रीडिंग फाइल्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स वन बाय वन. और उनको पढ़ने के वक्त उनके अंदर जो भी फीलिंग या इमोशन आ रहे थे जैसे गुस्सा, हेट्रेड, सैडनेस, घिन, ही स्टार्टेड क्लियरिंग दीज इमोशंस by repeating the 4 magical statements of Ho'oponopono and by taking 100% responsibility of manifestation that is happening in front of him. He said, my energy has created that attraction. कि दुनिया में इतने सारे बुरे लोग हैं, there are so many bad people in the world, but that is not reality for me.
क्योंकि वो मेरे सामने ही नहीं है, दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, सो दे आर नॉट रियलिटी फॉर मी. बट दोज हु आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव क्रिएटेड देम इन माई लाइफ, सो दे आर रियलिटी फॉर मी. सो इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग टेक्निक. तो होपनोपनो एक सेल्फ क्लीनिंग टेक्निक है. Isn't it magical and amazing? So, अगर डॉक्टर यूलिन उन लोगों को क्योर और हील कर सकते हैं, उन सब पेशेंट्स को डिस्टेंट हीलिंग प्रैक्टिस से जिनको वो जानते भी नहीं थे, तो क्या आप और मैं अपनी फैमिली मेंबर्स, फैमिली, बच्चे, फ्रेंड्स, कोलीग्स या जिसको भी हम हील करना चाहते हैं, क्या हम उनको नहीं कर सकते? यस, डेफिनेटली वी कैन डू इट. अब इसको करना कैसे है, उसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके लिए भी आप हीलिंग करना चाहते हैं, उनकी उस सिचुएशन के बारे में सोचकर आपके अंदर क्या फीलिंग या इमोशन आ रहा है उसके बारे में सोचिए. एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके बारे में सोच के मुझे बहुत चिंता हो रही है. सो यू स्टार्ट सेइंग, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग वरिड फॉर माई मदर्स हेल्थ. आई एम सॉरी फॉर फीलिंग वरिड. Please forgive me. Thank you. I love you. You will have conversation with that emotion of yours. आप उससे emotion से बात करेंगे. Keep repeating till the emotion you feel better, कि आपको better feel हो रहा है. वैसे तो I always recommend 108 times, but you will notice कि थोड़ी देर बाद ही you will start feeling better. But आप इसको please 21 days के लिए ज़रूर कीजिए. This healing will pass to them because at the energy level we are all one and connected. Now this is a distant healing. And isn't it amazing कि घर बैठे कहीं से भी आप या कहीं भी और बैठकर आप अपने प्यारों या अपने loved one जिसको भी आप चाहते हैं आप उसको heal कर सकते हैं. Let's take another example. जैसे आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही और आप उसके बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है और आप अपने आप को cleanse करने के लिए होप नो करेंगे तो इससे आपकी बेटी की शादी हो जाएगी. उसको ऐसे सिचुएशंस आने लग जाएंगी उसके सामने कि उसके लिए प्रपोजल्स आएंगे क्योंकि आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर लिया. उसके लिए आप कैसे करेंगे? बाय सेइंग, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फीलिंग सैड फॉर माई डॉटर. आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस सैडनेस. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. माई डियर सैडनेस, आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. And keep repeating till the time you feel better. Remember, by creating and feeling all these negative emotions and feelings, aap unki situation ko aur bigaad rahe hain. Because it's your sadness for that person which is creating more reasons to be sad. So please heal and cleanse your emotions. Jo aapko is situation ko lekar aate hain, soch kar aate hain, samajh kar aate hain, jo bhi negative emotions aapke andar aa rahe hain, aapko usko cleanse karna hai. Or it can be multiple emotions. So cleanse all of them one by one. And you will see the situation changing. Because you are passing on that healing to them. Ek aur example lete hain. Jaise aapke bacche ka job nahi lag raha. So you are feeling frustrated. You are feeling helpless. Ki main uske liye kuch kar nahi pa rahi hun. So remember, jitna zyada aap negative emotions generate karenge ya feel karenge, utna hi zyada aap unki situation ko bigaad rahe hain. और जैसे जैसे आप होपनो ओपनो करके एक एक नेगेटिव इमोशन को क्लियर करते जाओगे, वैसे वैसे वो सिचुएशन ठीक होती जाएगी, वो इंसान हील होता जाएगा. तो इस सिचुएशन में आप स्टार्ट करेंगे, मैं 100% जिम्मेवारी लेती हूँ हेल्पलेस फील करने के लिए अपने बेटे को लेकर. आई एम सॉरी फॉर फीलिंग हेल्पलेस. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर फीलिंग हेल्पलेस. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज़ फॉरगिव मी. Thank you. I love you. Remember, ये emotion आपने ही generate करा है, आपने ही create करा है, तो आप ही इसको clear भी कर सकते हैं. Believe me, it's very powerful and truly magical. And it's so simple, लगता बहुत simple है, but just don't underestimate it. And the best part क्या है, कोई rule नहीं है, you can do it any time of the day, anywhere. सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, just the most one thing. Which is the most important thing to remember is the intention. Just keep this intention that I am cleaning all negative emotions. By healing yourself, you are healing the other person. So practice this magical technique and don't forget to share your magical results with me by commenting in the comment box below.
So before going, let's do this magical prayer for 11 times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. May you be healed and heal everyone around you. Have the most magical day. I humbly thank you for this opportunity to serve you and help in spreading healing to everyone. Goodbye till we meet again.